ट्वेल्थ में मैंने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले डायग्राम को बिल्ड करते हैं। हमने मान लिया कोई एक कंडक्टर है, ये प्लस माइनस, जिससे करंट जा रही है आई, करंट जा रही है पी है इस प्रकार। जब करंट इधर आई जा रही है तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर की हो जाएंगे और डिप लाइटिंग की वीडी होगी, इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। जब आपकी करंट आई इस साइड से इधर जा रही है, ए पॉइंट से बी की ओर जा रही है, जब करंट ए से बी जा रही है, इलेक्ट्रॉन बी से ए आ रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे करंट की। तो हमने पढ़ा है क्यू इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आई टी, अगर चार्ज निकालेंगे अपने माले टी सेकेंड में, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा क्यू इक्वल टू आई टी, यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ये मेरा चार्ज निकल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके पास एक एनर्जी होगी, और मूविंग बॉडी में कौन सी एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनके पास क्या होगी, एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे वर्क निकाल लें, क्या निकाल लें, वर्क, तो मेरा एनर्जी निकल आएगा, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम मान लिए दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी होगा, क्या होगा, V। तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो यहां से W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, VQ, ठीक है, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो हो रही है और किसी टाइम पीरियड फ्लो हो रही है, तो Q की जगह हम लोग कर सकते हैं IT, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI T। ये आपका आ गया एनर्जी, किसमें हो गई है, जूल में। अगर बोल दे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, कैलोरी में, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, किसमें हो जाएगी आपका, कैलोरी में, किसमें हो जाएगा, कैलोरी में, फिर वो हीट की बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला आ गया W इक्वल वी आई टी, अब एक फॉर्मूला मुझे पता हो गया है, इससे दो तीन फॉर्मूले आपके और बन जाएंगे। सबसे पहले बहुत कार्य से बात सुनिएगा, मैंने बोला कोई एक कंडक्टर है और वहां पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और सब में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो आपने देखा होगा कोई भी चार्जर अगर लगा रहता है चार्जिंग के लिए, तो चार्जर आफ्टर सम टाइम बाद वो गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए हो जाता है कि बहुत देर तक करंट फ्लो होती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत सारा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी हो जाएगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, इंसुलेटर, इसीलिए वो आपका इंसुलेटर गर्म हो जाता है, ठीक है। खैर मैंने एनर्जी की बात कर ली, डब्ल्यू को डू आई टी आ गया, और अगर हमें कभी भी ये जूल में निकल के आई मेरी एनर्जी, अगर इसको कैलोरी में चेंज करना होगा तो 4.2 से हम डिवाइड कर देंगे, किस में जाएगा, कैलोरी में, ठीक। हमारा यहाँ पे अगर वी नहीं दिखी मैंने, तो वी इक्वल होता है आई आर, क्या होता है, आई आर, जहाँ पे वी लिखा वहाँ पे हम लिख सकते हैं आई आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, यूनिट क्या होगा इसकी, जूल, यानी ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको भी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो 4.12 से 4.18 या 4.2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे इसी में आगे बात करते हैं, तो अभी मेरा यहां तक आ गया है W कूल आई स्क्वायर आर टी, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या नहीं था, रेजिस्टेंस नहीं था, अब रेजिस्टेंस आ गया। अब हम कहीं करंट को भी यहां से अगर रिमूव करना चाहे तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R, जहां आई लिखा हुआ हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई की जगह हम लोग वी अपॉन आर लिखेंगे, आई स्क्वायर तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर,
इंटू आर इंटू टी, आर से आर आपको कैंसिल हो, डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर जू। एक ये आपको फॉर्मूला आ गया यहाँ से, यानी एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला इसके पहले वाला और एक फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले आपको हो गए। अगर इनको कैलोरी में चेंज करना होगा तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैलोरी में चेंज करना होगा तो 4.2 से आप डिवाइड कर दें। चलो आगे बात करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कुछ ना कुछ जब करंट फ्लो होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होता है, तो द रेट ऑफ लॉस इन एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। या फिर बोल सकते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी में लॉस, यानी वहां पे कुछ वर्क होगा, क्या होगा वर्क, तो बोल सकते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, मान लो कोई सर्किट है ये, और उसमें कोई भी सर्किट मान लो इस प्रकार बना हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो किसी भी सर्किट में क्या होता है वर्क होता है, किसी टाइम पीरियड में वर्क होता है, ठीक है, तो उसी को लेंगे हम लोग पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, अभी मैंने फॉर्मूला निकलाया था W इक्वल टू वी आई टी, बताया था अभी एनर्जी पावर बताया था, तो जहां W लिखा हुआ वी आई टी लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी अपॉन नीचे T, T से T कैंसिल, P इक्वल टू आ गया वी आई। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, सेम अगर इसको मॉडिफाई करना चाहे तो V इक्वल टू हम लोग आई आर लिख देंगे, जहां V लिखा हुआ आई आर लिख देंगे, तो P इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। फिर और आगे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां आई लिखा हुआ वी अपॉन आर लिख देंगे, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल, पी इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर के भी आपको कितने फॉर्मूले हो गए, तीन, एक दो तीन, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती, बात करेंगे हम लोग इसकी यूनिट, ठीक है। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वाट, क्या होती है वाट, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, और ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जिसके अकॉर्डिंग ये यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पावर, इसकी होगी इलेक्ट्रिक पावर। अब कुछ चीजें आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम्स में जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है, वहां पे वाट में नहीं दे रखा होगा, दे रखा होगा वन किलोवाट यानी 10^3 वाट, वन मेगावाट 10^6 वाट, वन हॉर्स पावर यानी एचपी इक्वल टू 746 वाट, ये चीजें आपको वहां पे कन्वर्ट करनी होगी, न्यूमेरिकल में इनका यूज होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसी में आगे क्या बात करेंगे हम लोग, आगे जो भी बात होगी मेरी वो होगी कॉमर्शियल यूनिट, इसकी बात होगी कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। कॉमर्शियल की बात हम कहां करते हैं, घरों में, कारखानों में, ठीक है। वहां पे जो आपका बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, यानी 1 किलोवाट आवर वन यूनिट के बराबर होता है। बात करते हैं लोग, आप लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा सीएल, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, हमें पता है कमर्शियल यूनिट क्या होगी, ई एनर्जी की यूनिट क्या होगी और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला बता करते हैं। तो वहां पे आपकी बात होगी E इक्वल टू P इंटू टी अपॉन 1000, क्योंकि वहां पे जो मीटर लगा होता है किलो वाट में लगा होता है, वाट में नहीं लगा होता, किसमें लगा होता है किलो वाट, मीटर आपको किसमें होता है किलो वाट, जो घर में 1 किलो वाट का मीटर, 2 किलो वाट का मीटर लगा होता है, तो E इक्वल टू P इंटू टी अपॉन 1000, जहां पे
पी आपका पावर होगा, क्या होगा पावर, और किसमें होगा इन वाट, किसमें होगा वाट में। यहां पे आपका टी होगा टाइम, वो टाइम किसमें होगा इन आवर, आवर में होगा। ठीक है, ये हम कमर्शियल में यूज करते हैं। ठीक है, अगर घर की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं इक्वल टू पी इंटू टी इंटू एन इंटू डी अपॉन 1000। यहां पे आप समझिएगा पी आपका पावर है, टी आपका टाइम है, एन है नंबर ऑफ अप्लायंस। जैसे घर में आपके 40 फैन लगे हुए, कितने फैन लगे हुए 40, एन के कितना आएगा 40, और सभी फैंस 20 वाट के हैं तो 20 वाट आएगा। 8 घंटे डेली चलते हैं तो टी का 8 आवर आएगा। 1 महीने का 1 मंथ का बिल निकालना तो 30 डेज, डी मीन डेज, 30 डेज का बिल निकल के आएगा। क्या आएगा, जो बिल आएगा वो आपको किसमें आता है किलोवाट आवर में। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती, किलोवाट आवर। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो 1 किलोवाट आवर होता है आपका, 1 किलोवाट आवर वो इक्वल होगा किसके, 1 यूनिट के। अगर जो घर में बिल नहीं आता है, आप लोग देखते हो कि मेरे यहाँ 200 यूनिट बिल आया है, 200 यूनिट मतलब हो गया 200 किलोवाट हावर एनर्जी की खपत हुई है, 200 किलोवाट हावर एनर्जी की खपत हुई है, यानी 200 यूनिट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि आप कमर्शियल में जो फॉर्मूला यूज होता है इक्वल टू पी इनटू डी अपॉन 1000। अगर नंबर ऑफ अप्लायंस गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी बिल निकालना होता है ये फॉर्मूला लगा के लोग निकालेंगे। आगे बात करते हैं इस रिलेटेड टॉपिक की, हमने बात कर दी यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट की, कॉमर्शियल यूनिट में क्या है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो यहां से एक आपका रिलेशन भी आ जाता है, जो रिलेशन क्या होगा आपका आता है एक रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, बड़ा ध्यान सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमने बात की 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो है आपकी कमर्शियल यूनिट, कौन सी यूनिट है कमर्शियल, और जूल आपकी जो होती है वो एसआई यूनिट होती है, कौन सी होती है एसआई यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर 1 किलो यानी 10^3 वाट। ठीक है, आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 × 10^5 वाट सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10^6 वाट सेकंड को लिख सकते हैं लोग, जूल कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था पावर का, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी की यूनिट होती है वाट, इसकी होती है जूल, इसकी होती है सेकेंड, इधर ले आएंगे वाट सेकेंड, ये क्या रहेगा आपका जूल। तो ये आपका आगे रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। आगे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया आज से, आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है, और थोड़ा सा आपको ही पढ़ाना है ईएमएफ वगैरह, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाना है, और पढ़ाना आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ऑलमोस्ट आपका एंड हो गया है, 2 लेक्चर का और बचा हुआ है। तो मैंने अभी जो भी आपको पढ़ा रखा है उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो मैं सॉल्व कराऊंगा, आज मैं 2-3-4 न्यूमेरिकल कराता हूँ उससे रिलेटेड। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है सारा का सारा फेयर कॉपी में कर लीजिए, कोई भी डाउट आता है किसी को भी आप पर्सनल कॉल करके बाय चैट या वॉइस मैसेज भेजके हमसे उसका सलूशन मांग सकते हैं। चलो आज न्यूमेरिकल बात करते हैं, न्यूमेरिकल जो आता है इसमें इस प्रकार का आएगा, एनी बल्ब या हीटर रेटेड, यानी ऐसे लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट ऐसा लिखा होगा, बोलेगा आ हीटर रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, तो बोला उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा या करंट फाइंड करना होगा, तो जहां पे ये लिखा हो तो ये होता है आपका पी, यानी पीछे डब्ल्यू यानी वाट, 100 वाट आपका क्या हो गया यहाँ पे
पावर और V हो गया 220 वोल्ट। क्या हो गया 220 वोल्ट। तो यहां से आपको निकालना होगा क्या रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन P। तो R इक्वल टू V वैल्यू हो जाएगी 220 × 220 अपॉन P दे रखा 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से R आपका आएगा 484 ओम। तो इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा, जब आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन आफ्टर मैं स्टार्ट करूंगा आपका सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।